प्रदेश में 26 दिसंबर से एक बार फिर मौसम अपने कड़े तेवर दिखा सकता है। आने वाले दिनों में रविवार 26 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का तांडव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फ और मैदानी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 27 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री की मंडी में प्रस्तावित रैली में मौसम खलल डाल सकता है। वहीं व्हाइट क्रिसमस की आस भी इस बार अधूरी रह सकती है। वहीं इसके बाद 27 दिसंबर को राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, जिसके चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुछ घंटे की बात करें तो प्रदेश के कुछ एक प्लेसेस पे मतलब हल्की बारिश हुई है, जैसे कि बिलासपुर में और जो एयरपोर्ट एरिया शिमला का, वहाँ पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। तापमान की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल चल रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे का जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और जो मैक्सिमम है वो ऊना में 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी पूरे प्रदेश में एक एक्टिव WD है, और जिसके कारण मतलब लगभग पूरे प्रदेश में मेनली क्लाउडी कंडीशन प्रिवेल कर रही हैं, और जिसके चलते जो हाई हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली आप लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, चंबा, यहाँ पे जो हाई रिचीज में कुछ एक प्लेसेस पे मतलब लाइट रेन या स्नोफॉल होने की संभावना है। इसके उपरांत 26 तारीख से एक इंटेंस WD प्रदेश को हिट करेगा, और जिसके कारण पूरे प्रदेश में मौसम तकरीबन खराब रहेगा, और इसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो 26 तारीख से बढ़ने की कपूर अनुमान है। और 26 तारीख को जो स्पेशली जो लोअर हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि भी हो सकती है, और ये एक्टिविटी है ये 26-27 से जो ये इंक्रीज होगी, इसके चलते पूरे प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटी होगी। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे स्पेशली किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू और आपके मंडी, यहाँ पे कुछ एक जो हाई रिचीज हैं वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने की भी संभावना है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिड हिल्स और लो हिल्स की, यहाँ पे स्पेशली बिलासपुर, सोलन, यहाँ पे भी कुछ एक स्थानों पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर स्नोफॉल की अगर बात करें तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं आज जैसे 23-25 तारीख की, तो जो हाई रिचीज हैं स्पेशली कुल्लू और एडजॉइनिंग एरिया और लाहौल स्पीति एडजॉइनिंग एरिया, जो हाई रिचीज हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है। और अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें भी 25 तारीख तक तो हाई रिचीज में ही स्नोफॉल होने की संभावना है। 26 तारीख से जब एक्टिव WD हिट करेगा तो फिर प्रदेश में जैसे स्पेशली शिमला सिटी में स्नोफॉल होने की संभावना है। जी सर, देखिए अभी क्योंकि जो WDO कल से हिट किया है प्रदेश को, और इसके चलते जो आपके जो टेम्परेचर्स हैं ये 2-3 डिग्री राइज हुए हैं, और ये टेम्परेचर्स में अभी कोई लार्ज चेंज नहीं आएगा। जी 27 तारीख की अगर हम बात करें सर, उस देखिए जो 26 तारीख से WD हिट करेगा तो उसके चलते पूरे प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें तो 26 तारीख से वहाँ पे मेनली क्लाउडी कंडीशन 26 तारीख से शुरू हो जाएंगी, और जिसके चलते 26-28 तक वहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना है। 26 तारीख तक अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा, जब आपका 26 तारीख के उपरांत टेम्परेचर में डिप आएगा आपका। तो 2016 में क्रिसमस के आसपास स्नोफॉल हुई थी, अभी 26 से लेकर 29 तक संभावना है शिमला। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।